बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स सी बच्चों, ट्राई करें भी। रिफ्यूज का क्या होगा ऑप्शन? वेस्टफुल मटेरियल, वेस्ट मटेरियल। कहाँ से पता चला हमें? वो जो थ्रो किया जाता है, गैरबेज एंड रिफ्यूज। तो जब दो चीजें पैरेलल में होती हैं तो फिर हम क्या यूज करते हैं उसके साथ? वो इसका मतलब है कि वो सिमिलर टाइप की चीजें हैं जब एंड के साथ हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट वाला जी। एब्सर्डिटी, स्टूपिडिटी, स्टुपिडिटी हो गया। एब्सर्डिटी क्या होगा? स्टुपिडिटी हो गया। जी, मर्डर, क्या होगा? असेसिनेशन का मतलब क्या होता है? मर्डर। और जिससे वो एस्केप कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या है, किससे बचा है? वो मर्डर से बचा है। जी भाई, नेक्स्ट वाला। क्या अनइनवाइटिंग। होगा? इनहॉस्पिटेबल रीजन। जाहिर है, जो एग्जामिनेशन होते हैं वो क्या महसूस होते हैं बंदे को? इनहॉस्पिटेबल रीजन है, इसका मतलब है क्या होगा? अन इनवाइटिंग हो जाएगा। जी, आर्डू सुप्रेशन। जी बच्चों, क्या होगा? क्रिस्टोफर ने परफॉर्म की यूजुअल सर्विस, ग्रीसर की हेल्प की, ग्रीजर की, विद आर्डू सुप्रेशन। ग्रीसर की, जो ग्रीस करने वाला होता है, वो किस ऑपरेशन में उसने उसकी हेल्प की? हार्ट अब जाहिर है, जिसमें किसी की हेल्प की जाती है वो क्या होगा? इंजॉयबल, प्रॉफिटेबल, गुड या हार्ड में काम किसी की मदद की जाती है? हार्ड में की जाती है, तो क्या होगा इसका? हार्ड हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला। प्लेंड, जी, क्या होगा? हिट ऑन का मतलब क्या होगा? अब देखें, सेम ईयर ही हिट ऑन पेंसिलिन। अब पेंसिलिन कैसे होती है हिट ऑन? प्लान करके हुई थी ये होती है, या कोई भी जो डिस्कवरी होती है वो प्लान करके होती है, या इत्तफाक से हो जाती है, अचानक से? क्या होगा? कोई भी है, वो गॉड बाय चांस होता है। उसको हिट ऑन का मतलब क्या होता है? वो हिट ऑन क्या होगा? पेंसिलीन। जी भाई, नेक्स्ट वाला। फ्रॉन फ्राउन, स्काउल का मतलब क्या होगा? फ्राउन हो गया। जी, यहाँ पे क्या होगा? इनवर्ड नर्वसनेस को छुपाने के लिए बंदा क्या करता है? जब बंदा किसी के सामने जा रहा हो, वो अपनी नर्वसनेस या परेशानी हो तो उसके लिए को कैसे छुपाता है? वो फ्राउन चेहरे पे लगा ला के। जी, स्लैकनेस एंड ऑब्स्टिनेसी। स्लैकनेस का मतलब क्या होता है? स्लैक कोई चीज हो तो क्या होगा? जब हम एंड के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सिमिलर क्वालिटी होगी, स्लैक भी और ऑब्स्टिनेसी भी। आप स्लैक की मदद से अपने ऑब्स्टिनेसी की को पढ़ना है, समझना है। अब जरा बताएं जी, कौन सी चीज है जो आप कहेंगे इसमें कौन सी चीज होगी? अच्छा, ये बताएं कि पॉजिटिव कॉनोटेशन में ऑब्स्टिनेसी मीनिंग देगी या नेगेटिव कॉनोटेशन में देगी? नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव में। नेगेटिव कहां से पता चला आपको? बिकॉज दो तीनों ऑप्शंस पॉजिटिव मीनिंग दे रहे तीनों पॉजिटिव हैं मीनिंग दे ऑब्वियसली। रहे हैं। यहाँ पे स्लैकनेस से भी हम आइडिया ले सकते हैं,
स्लैकनेस का मतलब होता है सुस्ती को कहते हैं। तो एक जो है ना, अगर नेगेटिव कॉनोटेशन है तो ऑब्स्टिनेसी भी क्या होगा, वो नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव में एक ही ऑप्शन है आपके पास, वो कौन सा है, वो स्टबर्न है। स्टबर्नेस ठीक है, स्टबर्नेस हो गया। और अगर हम इन ऑप्शंस को देखें तो ये ऑप्शन भी हमें इंडिकेट करते हैं कि ये स्टबर्न, ये सारे के सारे मीनिंग पॉजिटिव में है। जी वाला, नेक्स्ट वाला। जी, चिप्स टुक अप आइसोलेटेड वर्ड्स आउट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडाइटमेंट। अब चिप्स ने स्पीच क्या हुआ जिसके उसने अल्फाज टूटे फूटे हो गए उसके, क्या चीज हुई थी कि वो उसने ऐसे बोलना शुरू कर दिया, क्या किया होगा। रिक्वेस्ट पे बंदा टूटे फूटे अल्फाज बोलता है गुस्से में, स्पीच पे बोलता है, प्रपोजल पे बोलता है, या एक्विजिशन पे बोलता है। स्पीच एक्विजिशन एक्विजिशन हो जाएगा, क्योंकि जब आपके आइसोलेटेड वर्ड्स होते हैं, मतलब आप एक एक लफ्ज करके बोल रहे होते हैं, गुस्से में होते हैं, तो वो कब होता है, ये तीनों चारों सिचुएशन में कौन से पे होता है, एक्विजिशन पे, जब कोई इल्जाम लगा दे आप पे। जी, नेक्स्ट वाला। जी, डिस्ट्रक्टिव क्या कैटास्ट्रॉफी है। अब चैनल इन टू हेयर ब्रेड्थ एस्केप, छोटी सी एरर जो है वो क्या हो सकती है, एरर किस तरफ लेके जाती है, सक्सेस की तरफ, प्लेजर तबाही की तरफ, एवरेज की तरफ, या डिस्ट्रक्टिव की तरफ। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। अब हम यहां से किस वर्ड की मदद से हमने डिस्ट्रक्टिव को समझा या कैटास्ट्रॉफी को समझा, एरर एरर की मदद से। तो एरर हमें क्या बता रही है कि वो, एरर हमें क्या बता रही है कि वो किस तरफ लेके जाएगी, वो तबाही की तरफ लेके जाएगी। ठीक है जी। जी, नेक्स्ट वाला। जी, शाबाश। ऑफ ऑफ बोस्ट ऑफ हो गया, ठीक है, मुबालगा राय करना। उसके बाद ऑन कीप टू लेफ्ट। टू जी, इंक्वायरिंग ऑन इंक्वायरिंग इन टू द इनटू मैटर। जब हमने इंक्वायर के साथ हम क्या यूज करते हैं, इंक्वायर क्या होगा आफ्टर, तो क्या होगा, हम इंक्वायर आफ्टर कहते हैं किसी की देखभाल करना, टेक केयर। इंक्वायर के साथ जब हम इस्तेमाल करते हैं इंक्वायर इन टू, इसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, इंक्वायर इन टू का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट करना, इंक्वायर आफ्टर देखभाल करना। और क्या होगा, इस तरह से हम इस्तेमाल इस्तेमाल करते हैं। जी भाई, नेक्स्ट वाला। कांग्रेचुलेटेड ऑन क्या होगा, ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट वाला, एट जीयर के साथ क्या यूज करेंगे, एट का इस्तेमाल करेंगे। जी बच्चों, बीटा स्टोन टाइप इन राइटिंग बीटा डू राइट क्या होगा, नॉट राइट इन क्या होगा, इंक होती है, राइट विद क्या होता है, कोई टूल होता है, यानी पेन टूल से मुराद जैसे क्या है, पेन है। ठीक है, राइट, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, राइट इन। बेटा जी भी, नेक्स्ट वाला। डेल्टा डेल्टा मिसचीफ क्या होगा, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसको काउंटेबल बनाने के लिए हम यूज करते हैं कुछ वर्ड जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, एक्स। ये उसी तरह से है जिस तरह से आर्टिकल्स ऑफ
किसकी साथ यूज करते हैं? फर्नीचर का फर्नीचर है, यानी उसका प्लूरल नहीं करेंगे हम बल्कि उसके साथ आर्टिकल लगाएंगे। इसी तरह से क्या होगा, पीसेस ऑफ क्या होगा, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, इंफॉर्मेशन है, पीसेस ऑफ ब्रेड है या लॉफ्स ऑफ ब्रेड है, एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस, एडवाइस है, पीस ऑफ वर्क है। ये हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास क्या हो, वो जब उसका काउंटेबल बनाना हो तो हम उसके साथ इस्तेमाल करते हैं। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला, सी चार्ली, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्यों यूज करेंगे हम? क्योंकि जब हमने डू यू नो के बाद हम यूज करते हैं, नो हाउ आ जाए तो उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, इन्फिनिटिव का इस्तेमाल करते हैं। जी उसके बाद डेल्टा जब सिंस मॉर्निंग आ जाए, टाइम आ जाए तो वहां पे परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं, सिंपल सा है। बीटा हमने सब्जेक्टिव मूड जब इस्तेमाल करना होता है तो एज इफ के बाद, उसके बाद वुड दैट के साथ, काश के ऐसा होता, और उसके बाद विश के साथ, ठीक है, और इफ के साथ। ये चार सिचुएशन है जहां पे हम सब्जेक्टिव मूड यूज करते हैं या इमेजिनेटिव सिचुएशन क्या होगा हम परसीव करते हैं। वहां पे भी तीन ऑप्शन हो सकते हैं, वर्ब के साथ इस्तेमाल करें, हैड के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएं, हैड के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करें, या फिर हम वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल कर दें। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं जब हम इनके इस्तेमाल करते हैं। तो ये चार जो है वो केसेस हो सकते हैं जहां पे इसका हम इस्तेमाल करते हैं, एज इफ, वर, और या हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, और वुड दैट के साथ, काश के ऐसा होता। जैसे आपने कहना हो वुड दैट ही वर हियर, ही वर हियर, काश के वो यहाँ पे होता, तो हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं, वहां पे वर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब्जेक्टिव सिचुएशन को शो करता है। जी बच्चों, नेक्स्ट वाला है जी, जी इनवैलिड मिलानर, एक्सपायर्ड। अब जरा देखिएगा, जो बैंक में फूलिशली बिहेव कर रहा है वो क्या है, एक्सपायर्ड है, रिच है, लिटरेट है या डिसेबल्ड है? इलिटरेट, डिसेबल्ड है, जो जिसको सही तरह से बिहेव नहीं कर पा रहा। जी वे नॉन बुकस पीपल है और वो क्या करते हैं, रिलक्टेंट हैं, थ्रो अवे करने से किताब को क्या करते हैं जो नॉन बुकस पीपल हैं, उसको फेंक देंगे जो नॉन, या पास रखेंगे वो, या वो फेंकने के लिए क्या होंगे, फौरी तौर पे तैयार होंगे या रुकेंगे, क्या होंगे, रुकेंगे। तो एक तो हेजिटेंट ऐसे पता चल जाएगा। दूसरा, यहाँ पे सारे में देखिएगा जरा, ये तीनों ऑप्शन में क्या है कि वो काम करने के लिए तैयार हैं, या इस सभी का मतलब क्या होता है, हेस्टी, विलिंग, प्रॉमिसिंग, क्या होगा, तीनों पॉजिटिव सेंस में है, और हेजिटेंट क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो इसलिए क्या होगा, हेजिटेंट आ जाएगा। जी भाई, उसके बाद रिलीफ टाइम क्या है, अनएक्सपेक्टेड रिस्पाइट, रिलीफ टाइम हो गया। जी वक्फा, जो खुशी का वक्फा होता है उसको हम कहते हैं। उसके बाद है इनहॉस्पिटेबल, फिर आ गया क्रूअल,
क्या होगा? क्रूअल, क्रूअल जी, क्रूअल हो गया। अब काइंड, ओरिजिनल, एजुकेटेड। अब जाहिर एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो सेंस क्या देगा, नेगेटिव का देगा, तो क्रूअल वाला आपके पास वो नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा। जी, उसके बाद क्या है जी? Enjoyable. जी, अब यहाँ पे फॉर्मेडेबल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट था, ही वॉज टू कंटिन्यू, उसे क्या करना था, कंटिन्यू करना था। अब जिसको उसे कंटिन्यू करना पड़ा वो कैसा था, यानी वो करना नहीं चाहता था लेकिन उसके बावजूद करना पड़ा, तो इसका मतलब क्या कर रहा है उसे? Causing fear. Causing fear हो जाएगा, ठीक है, यानी कि वो करना नहीं चाहता था, he was to continue, हमें कहां से पता चला कि वो उसे करना पड़ा, he was to continue, जिसे करना था, तो वहां पे इसका मतलब है उसको वो करना नहीं चाहता था, उसके बावजूद करना पड़ा। जी, नेक्स्ट वाला। अब यहां से हैप्पी नहीं था लाइमलाइट में, हैप्पी नहीं था कौन, फ्लेमिंग, किसमें, लाइमलाइट में। तो लाइमलाइट आपको पता है जो कैमरास की लाइट होती है उसको हम लाइमलाइट कहते हैं, यानी क्या होगा, पब्लिसिटी हो, क्योंकि जब आप वो डिस्कवरी, अब इससे अंदाजा कर लें कि उसने डिस्कवरी की थी किसकी, पेनिसिलिन की, तो उसके बाद क्या होना था, उसने वो कम उसकी शोहरत होनी थी या उसने क्या होगा, उसकी अतनहाई में चले जाना था, तो पब्लिसिटी होगी, तो क्या होगा, पब्लिसिटी हो जाएगा। जी, टेंजिबल दैट कुड टैकल, जिसको वो टैकल करे वो क्या है, टेंजिबल चीज हो गई, तो क्या मुराद होगा टेंजिबल का? Playful. जिसको वो टैकल कर सका वो क्या होगा, क्या था, टेंजिबल था। Come on. क्या होगा, Playful. डेफिनेट होता है, टेंजिबल का मतलब होता है जिसकी कोई प्रॉपर शेप हो, जिसको हम जो प्रॉपर शक्ल हो, जिसको हम कहते हैं टेंजिबल कहते हैं, यानी कोई चीज क्या हो जो एब्सोल्यूट फॉर्म में या हार्ड फॉर्म में मौजूद हो उसको हम कहेंगे। जी, नेक्स्ट वाला। काम, प्लेसेंट लाइफ, अब कहां से पता चला जी, प्लेजेंट, प्लेसेंट लाइफ, प्लेजेंट जब आ गया तो वो पॉजिटिव कॉनोटेशन होगा, नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया। अब सारे के दो पॉजिटिव में हैं, कौन कौन से, काम, हैप्पी, बल्कि तीन रेगुलर है, उनमें से फिर देखेंगे कि प्लेजेंट को कौन सा क्या होगा, प्लेजेंट जो लाइफ होती है वो कैसी लाइफ होती है, हैप्पी और प्लेजेंट का पहले ही मीनिंग सेम है, हैप्पी और प्लेजेंट का मीनिंग पहले ही सेम है, तो क्या हो जाएगा फिर, काम हो जाएगा। जी, नेक्स्ट वाला। जब किसी की सब क्या होगा, मर्सी पे जो छोड़े उसको हम क्या कहें, इंजरी, तो क्या हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा। इससे अंदाजा करना है आपको कि जो किसी की मर्सी पे छोड़ रहा है, मर्सी का सबब बन रहा है, जाहिर आपके साथ कोई अच्छा सलूक हुआ या बुरा सलूक हुआ, कि आपके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, तभी दूसरे को आप पे रहम आएगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इंजरी हो जाएगा। जी, नेक्स्ट वाला। फ्लरिश्ड, अब सेंस ऑफ ह्यूमर है उसका, वो क्या हो गया, सडन रिचनेस में आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या हो गया,
फ्लरिश किया, बढ़ गया, यानी वक्त के साथ साथ बंदा क्या करता है, मेच्योर होता जाता है, तो वो क्या कर रहा है, उसी को बता रहा है फ्लरिश्ड हो गया। जी ऑन कॉल्ड ऑन होगा, कॉल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, इनवाइट करना, कॉल इन का मतलब क्या होगा, कॉल इन, कॉल फॉर हेल्प, मदद के लिए बुलाना, कॉल आउट क्या होगा, आवाज देना, उसके बाद है कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, ऑफ से क्या मुराद होगा, ऑफ से मुराद है एंड कर देना, ठीक है। कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब डिमांड करना, रिक्वायर करना किसी चीज का, कॉल फॉर हो गया। तो ये कॉल के साथ इस्तेमाल होते हैं जो हमारे फ्रेजल वर्ब। जी After, his mother. Take after हो गया, शक्ल मिलना, take to का मतलब होता है बहुत ज्यादा dejected हो जाना, दुखी हो जाना, take out का मतलब extract करना किसी चीज को, बाहर निकालना, take down का मतलब क्या होता है, note down करना, नोट करना, उसके बाद टेक आफ्टर इसका मतलब रिजेंबल करना होता है, रिजेंबल करना हो गया। उसी तरह से क्या होगा, टेक अप का मतलब क्या होता है, अस्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप क्या संभाल लेते हैं, जिम्मेदारी संभाल लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं टेक अप। जी उसके बाद from suffering from हो जाएगा, सिंपल सा है। नेक्स्ट वाला to addiction to हो गया। जी एट ये प्रोवर्ब है, उसी तरह से लिखी जाएगी। कम ऑन नाउ, कोई भी नहीं है मिसिंग। जी क्या होगा यहाँ पे, जब ईच होता है तो ईच आउट ऑफ क्या होता है, मैनी होता है, ठीक है। एक तो ये याद रखना है कि ईच ही इसका सब्जेक्ट होगा, लेकिन इसके साथ जो यूज होने वाला नाउन है आउट ऑफ, वो प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब आपका कौन सा रहेगा, वो सिंगुलर, वो ईच ही रहेगा, वो ही उसके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो फिर क्या बन जाएगा, ईच ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग हो जाएगा। जी नेक्स्ट वाला डेल्टा। जी ये जो प्लेस होती है, वो जो यूजेबल प्लेस होती है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रूम का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, देयर इज नो रूम इन दिस कंपार्टमेंट, ये रूम से मुराद, प्लेस वैसे कोई जगह होती है, ठीक है, कोई भी जगह हो सकती है, और जो रूम से मुराद क्या होता है, यूजेबल क्या होगा, यूजेबल प्लेस को हम क्या कहते हैं, रूम कहते हैं उसको, हम प्लेस नहीं कहते। जी उसके बाद इंडस, इसमें दो जगहों पे हमने क्या यूज करना है, जी तो
क्या होगा, अब इंडस के साथ भी द लगाना है और उसके बाद जितने भी दरिया हैं उनके साथ भी, और जो सुपरलेटिव डिग्री है उसके साथ भी द लगाना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? चार्ली लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान. चलो इसको हम ऐसे कर लेते हैं. जी नेक्स्ट वाला जी. बीटा बीटा और डेल्टा दोनों से डेल्टा में फ्रॉम है. डेल्टा में फ्रॉम बीटा. तो क्या होगा? बीटा होगा. क्यों? क्योंकि जब हमने फार 10 इयर्स आ गया तो वो क्या इंडिकेट करेगा? परफेक्ट टेंस को इंडिकेट करेगा. शाबाश बच्चों. नेक्स्ट वाला डेल्टा. डी वाला हो गया हंड्रेड्स ऑफ पीपल. जब ऑफ के साथ हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी दो पॉसिबिलिटीज होती हैं. एक तो अगर आपने लिखना हो 500 अगर है, तो क्या इसके साथ एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? 100 होगा. 100 no. क्या होगा? फिर हम उसके साथ एस नहीं लगाएंगे. और जब हमने लिखना हो सैकड़ों की मीनिंग में, तो फिर क्या होगा? हंड्रेड्स ऑफ पीपल होगा. तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल, तो फिर ये सैकड़ों के साथ आएगा, तो फिर यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? हंड्रेड्स ऑफ पीपल होगा. जी भाई नेक्स्ट वाला. बोल क्रिटिकल होगा जी. लॉजिकल. लॉजिकल क्रिटिकल क्या होगा? लॉजिकल हो गया. अब जाहिर है अगर हम सारे ऑप्शन को अगर देखें तो वो अपने अबाउ अजदाद से हम कैसे डिफरेंट हैं, तो वो बाकी ऑप्शन को आप क्या होगा खुद ही पता चल जाएगा कि वो इसके अप्रोप्रिएट नहीं है. इलॉजिकल सुपरस्टिशंस, ये गलत है. जाहिर है पहले लोग इलॉजिकल थे, सुपरस्टिशियस थे. क्रेडुलस, भरोसेमंद, पहले लोग ज्यादा थे अब नहीं. तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है. तो यहाँ पे क्या आ गया? लॉजिकल आ गया. जी उसके बाद डिटेक्टिव. स्पाय हो गया, यानी एजेंट या स्पाय. शाबाश. कमन, कौन है जो, कौन मकई भी हो सकती है और जिन्स भी हो सकती है, वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया. जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सके वो क्या होगा? रिमोट एरियाज. रिमोट एरिया में नहीं किया जा सकेगा, वो रिमोट एरियाज में नहीं किया जा सकेगा. तो यहां से हमें क्या होगा, वो बैकग्राउंड से हमने मीनिंग उसका समझ लिया कि जो चीज क्या होगी, जहां पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सका वहां पे कौन सा एरियाज होंगे? वो रिमोट एरियाज होंगे. जी क्या होगा? बायस्ड इन फेवर ऑफ लर्निंग. नेचुरली आई वाज, नेचुरली जो चीज होगी वो आपके अंदर फितरी तौर पे मौजूद होगी. आई वाज बायस्ड इन फेवर ऑफ बॉयज लर्निंग इंग्लिश. तो मैं जो लर्निंग इंग्लिश था उसकी तरफ क्या करता था? क्रूअल था, जस्ट था, पार्शियल था, आर्बिटर था. आर्बिटर. आर्बिटर के मतलब को दो लोगों में जब हम फैसला करवाते हैं तो उसको हम आर्बिटर कहते हैं. तो जो बच्चे इंग्लिश सीख रहे थे वो जाहिर है क्या लगते होंगे उसको? बायस था उसकी तरफ.
क्या मतलब जब नेचुरली मैं क्या कर रहा हूँ, इसका मतलब जब नेचुरली कोई काम है तो इसका मतलब क्या है, उसकी तरफ रुझान है या उसकी तरफ डिसलाइक है? रुझान रुझान है, नेचुरल फीलिंग है, तो फिर क्या होगा उसको क्या कहेंगे, पार्शल कहेंगे। फैन बंद कर लिया करें भी, फैन ऑन करके आप सामने बैठ जाते हैं वो पूरी आवाज आ रही होती है पूरे रूम में। जी कमान जी क्या होगा? Humility. Fleming said that nature made penicillin and he discovered it. अपनी क्या चीज शो कर रहा है कि मैंने नेचर ने बनाई है, मैंने सिर्फ उसे ढूंढा है। और क्या होगा, मोडेस्टी थी, इट वॉज हिज मोडेस्टी। प्राइड एरोगेंस था, ये तो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते दोनों में? नहीं नहीं हो सकते क्योंकि ये दोनों नेगेटिव कॉनोटेशन में है। अब रह गए पीछे दो कॉनोटेशन, एक ह्यूमिलिटी है, डिलिजेंस है, दोनों पॉजिटिव सेंस में आते हैं। अब जरा बताओगे जब वो कह रहा है कि नेचर ने बनाए हैं, मैंने सिर्फ ढूंढा है, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? चार्ली ह्यूमिलिटी हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद रेवोल्यूशनाइज द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। अब पास्टर और लिस्टर ने जाहिर है क्या किया होगा, बड़े साइंटिस्ट थे तो उन्होंने क्या है, कोई पॉजिटिव काम नेगेटिव काम किया? तो जो उसने उन्होंने डिस्कवरी की थी उससे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन को क्या हुआ, बेहतर हुआ या खराब हुआ? शाबाश, थ्योरी और प्रैक्टिस जो पहले चल रही थी उसको क्या किया, प्योरीफाई किया या उसको अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया? ठीक है, उसको अल्टर, उसको चेंज कर दिया थ्योरी ऑफ मेडिसिन को। जी नेक्स्ट वाला जी, अब यहाँ पे किससे श्रिल की आवाज है और क्या होगा, एंटी एयरक्राफ्ट शेल की क्या आ रही है, वो शोर आ रहा है, तो क्या होगा, क्राई आ गया। जी उसके बाद न्यू जोक बना लिए, एंटी एयर रेड। एंटी एयर रेड का मतलब होता है कि जो रेड, जब एयर रेड होता है यानी कि जहाज का हमला होता है, तो उसके खिलाफ क्या लगा लिया, अटैक, सीक्रेट या कर्टन लगा लिए? कर्टन। ठीक है, मतलब क्या होता है, कर्टन होते हैं जो हम खिड़कियों के आगे डाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं। जी उसके बाद कर्टियसली, काइंडली। अब सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, वाइजली। वाइजली बताइएगा पॉजिटिव कॉनोटेशन है नेगेटिव कॉनोटेशन है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब अगली क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए या अगला एडवर्ब भी क्या होना चाहिए पॉजिटिव में, तो इस सभी में कौन सा ऑप्शन है जो पॉजिटिव को शो कर रहा है, वो काइंडली है। जी लैंग ऑफ स्कूल बेल क्या होगा, अनकस्टम, कस्टम तो हो गया जो पता है जिसका, और अनकस्टम जो जो क्या होगा, रूटीन से हटके हो, तो क्या हो जाएगा, अनयूजुअल हो जाएगा। जी नेक्स्ट वाला, अमंग द पीपल, क्या होगा, पॉपुलर के साथ हम विद का प्रपोजिशन लगाते हैं। ठीक है, पॉपुलर विद, और बाउंड के साथ हम दो प्रपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, बाउंड क्या होगा, बाउंड फार हो तो इसका मतलब होता है डायरेक्शन किसी चीज की उस तरफ होना, और बाउंड टू का मतलब होता है रेस्ट्रिक्टेड होना, यानी किसी जगह पे रेस्ट्रिक्टेड हो, बाउंड हो जाए, तो हम उसको कहते हैं क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होना।
जी, तो ये यहाँ पे क्या होगा? फार। बाउंड फार हो गया। फार की डायरेक्शन जो है वो लाहौर की तरफ है। जी कमान, ट्रू टू हिज वर्ड्स, ट्रू के साथ हम यूज करते हैं ट्रू टू हिज वर्ड्स। जी लूज टू मी हो गया। यहाँ पे भी क्या होगा? लूज वो आपने ये बाकी जो वर्ड है जैसे हम अक्सर ये इस्तेमाल करते हैं, मुझ पर वो डीली है या मुझे डीली है, तो हम अक्सर ऑन या ओवर हमें ज्यादा सूटेबल लगता है, तो लूज टू हो जाएगा इसके साथ। प्रिवेंट के साथ क्या आ जाएगा? प्रिवेंट फ्रॉम हो जाएगा। जी नेक्स्ट वाला जी, अब मैनी वर्क्स कौन सा? सी ऑप्शन होगा, क्योंकि वर्क जो है ना वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ, अनकाउंटेबल के साथ हम मच इस्तेमाल करेंगे, मैनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी उसके बाद चार्ली, जी क्यों होगा? जी फाउंड जब आ गया सेकंड फॉर्म है तो आगे भी फॉर्म सेकंड हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वाला ऑप्शन हो गया। जी बच्चों इसमें सीनियर टू इमरान, बल्कि यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम फ्रॉम इमरान। अब ये किस किस के साथ हम इस्तेमाल करते हैं क्या होगा टू? ये लेटिनाइज्ड एडजेक्टिव्स हैं, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रेफर, ये तो एडजेक्टिव हैं, ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं जो लेटिनाइज्ड एडजेक्टिव है, इनके साथ हम हमेशा क्या लगाना है? टू का इस्तेमाल करेंगे और टू के बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, यानी सीनियर टू हिम, सीनियर टू मी, यानी हिम मी वगैरह का इस्तेमाल करेंगे। जी शाबाश, नेक्स्ट वाला क्या होगा? जी इनटू जंप्ड क्या होगा? जंप्ड इनटू हो गया। जंप्ड इनटू क्यों लगाना है? ये डायनेमिक, जो डायनेमिक प्रेपोजिशंस होते हैं या इसको हम मूवमेंट के प्रेपोजिशंस कहते हैं, प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट कहते हैं, तो ये प्रेपोजिशंस ऑफ मूवमेंट जो होते हैं इनके साथ हम क्या यूज करेंगे? इनटू का इस्तेमाल करेंगे। जी उसके बाद है डेल्टा, जी वाला ही इज इल विद फीवर हो गया। इल के साथ हम दो तरह से प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं, इल ऑफ यू, ये किसी से टायर्ड या बोर्ड होना होता है, और इल विद फीवर या इल विद, ये किसी बीमारी को, डिजीज को शो करता है, तो वहां पे इल विद लगाएंगे तो क्या होगा? ही इज इल विद फीवर होगा। जी भी गिव बर्थ टू लाइट लाइफ, गिव बर्थ का मतलब क्या होगा? प्लेनेट ने क्या किया लाइफ को? प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस कर दिया, तो क्या होगा? प्रोड्यूस का मतलब, गिव बर्थ का मतलब क्या होगा? प्रोड्यूस कर देना। ओमिनस ट्री,
लूमी सैड। अब जिसकी तरफ देख के क्या करता है वो क्या होगा ओमिनस, जिसको वो देख के वो डर जाए वो क्या होगा वो ओमिनस ट्रीड होगा। ग्लूमी भी हो सकता है यहाँ पे फोर वार्निंग या किसी को वार्निंग देने वाला भी हो सकता है, वो ऑप्शन नहीं है। दिस सुपरस्टिशियस बिलीफ्स आर जी क्या होगा बीइंग ओवरकम कंट्रोल। अब आजकल सुपरस्टिशन है या खत्म हो गई है? खत्म हो गई है, जिसका मतलब है उन पे क्या किया है काबू पा लिया गया कंट्रोल। जी नेक्स्ट वाला इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस का मतलब क्या हुआ, शेयर मिल रहा है जब किसी को, तो शेयर किस में से मिलता है वो ज्यादा सूटेबल है वो जायदाद या विरासत में से मिलता है तो इनहेरिटेंस हो जाएगा। जी क्रिस्टोफर स्टैगर्ड इनसाइड एंड ले, स्टैगर्ड है स्टैगर करके ले क्या होगा फ्लोर पे लेट गया, इसका मतलब है जाहिर है क्या होगा जावेश कैसे होगा, स्टैगर्ड का मतलब क्या होगा वोबल्ड हो गया, यानी लड़खड़ाते हुए आने को कहते हैं। जी उसके बाद सुपरस्टिशंस सब्सक्रिप्शन सॉरी। अब जिससे पासर का इंस्टीट्यूट बना पेरिस में वो किस चीज से बना था, दुआओं से बन गया था, स्किल और एबिलिटी का मीनिंग सेम है तो किससे बनता है डोनेशन से बना, यानी जो लोगों ने क्या दिए पैसे दिए उससे वो जनाब उससे बना वो। जी हॉस्पिटेबिलिटी हॉस्पिटैलिटी सॉरी जेनरोसिटी। जी हॉस्पिटैलिटी क्या होगा जेनरोसिटी हो जाएगा। जी उसके बाद वाज नॉइजी अपरोरियस था अपरोरियस फेयरवेल। अब फेयरवेल में क्या जाहिर है क्या होता है कंफर्टेबल क्वाइट काम क्या होगा, नॉइजी होती है फेयरवेल, जब किसी को फेयरवेल दी जाती है तो शोर शराबा होता है। फिर मोर ओवर अगर इसके बाकी ऑप्शन को देखें तो तीनों ऑप्शन का मतलब क्या होगा सेम है, तीनों ऑप्शन सेम है ना, क्वाइट काम कंफर्टेबल तीनों का मतलब सेम है। जी डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी डिसलाइक। जी क्रेटन थॉट कैथरीन थॉट दैट द पीपल हु डिसअप्रूव्ड ऑफ मॉडर्निटी वर बोर्स। अब जाहिर है जो डिसअप्रूव कर रहे हैं वो बोर हैं मॉडर्निटी को, इसका मतलब क्या कर रहे हैं जब बोर हैं वो डिसलाइक कर रहे हैं, लाइक करेंगे तो फिर तो अच्छे होंगे ना मॉडर्निटी को, और जो डिसलाइक करेंगे वो बोर होंगे। जी कंजर्वेटिव इन पॉलिटिक्स, ऊपर वाले सेंटेंस से आपको आइडिया हो जाएगा कि वो पॉलिटिक्स में क्या था, पुराने तरस का था या रेवोल्यूशनरी था, रेवोल्यूशनरी ओल्ड फैशन। अब रेवोल्यूशनरी और रेडिकल दोनों का मतलब क्या है सेम है, तो फिर क्या ऑप्शन होगा, और मॉडर्न का मतलब भी क्या होता है आइडियाज के अतबार से सेम है, तो ये तीन ऑप्शन सेम है तो फिर क्या होगा ओल्ड फैशन आ जाएगा। जी उसके बाद ऑलवेज डज हिज प्रेयर्स always does his prayers बल्कि ये option जरा missing है। basically does his prayers जी ऐसे कर लेते एक्शन के साथ। विद एक्शन
क्या होगा? विद एक्शन होगा, कोई टूल है जिसके साथ, तो वो विद लगा देंगे जी. ब्रोक थीफ है, थीफ है तो क्या होगा, वो ब्रोक इनटू आ जाएगा. ठीक है, ब्रोक इनटू हो गया. माय फादर इज एंग्री, एंग्री विद मी, विद मी हो गया. किसी पर्सन के साथ एंग्री होना है. उसके बाद है एग्री, एग्री विद यू हो गया. पर्सन के साथ हो तो वह एग्री या एंग्री के साथ क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे. इसमें दोनों में ये देखना है आपने कि एग्री या एंग्री हो, और उसके बाद क्या होगा, अगर टू हो तो ये कोई टर्म्स या कंडीशन होती है, और अगर ऑन हो तो ये सिचुएशन होती है, और अगर विद हो तो कोई पर्सन होता है. उसके तीनों के साथ ऐसे इस्तेमाल करते हैं जी. नेक्स्ट वाला क्या है जी? प्रिवेंट हिम फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्वड इन पॉलिटिक्स जी. नेक्स्ट वाला बेटा. बेटा वन शुड डू वंस ड्यूटी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे वन हमारा सब्जेक्ट है, और वन के हिसाब से ही जब वन जनरलाइज करता है सभी को, इसमें कोई भी हो सकता है, तो फिर उसके साथ हमने क्या होगा, वंस का इस्तेमाल करेंगे. डेल्टा के ये आ जाएगा. वन शुड डू वंस ड्यूटी हो जाएगा. ठीक है, वन के हिसाब से वंस आना चाहिए जी. वे नेक्स्ट वाला डेल्टा. प्रेफर के साथ, प्रेफर के साथ हम क्या यूज करते हैं, वो टू पे इस्तेमाल करेंगे. तो प्रेफर के साथ क्या यूज करेंगे, हम टू का इस्तेमाल करेंगे. तो प्रेफर वाटर टू पेप्सी हो जाएगा. उसके बाद रिप्लाइड आ गया. रिप्लाइड आ गया पास्ट में है, तो क्या होगा, वुड कम आ जाएगा जी. चार्ली. द हॉर्स इज अ फेथफुल एनिमल. क्यों लगाया जी? जब हमने क्या करना होता है, एनिमल्स को जनरलाइज करना होता है, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पे, द का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, एनिमल को जनरलाइज करना हो तो द. उसके बाद प्रोफेशनल्स को, प्रोफेशनल्स को करना हो तो ए और एन. और अगर ह्यूमन बीइंग को जनरलाइज करना हो तो उसके साथ हम नो आर्टिकल, कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते. और उसके बाद है जी सीनरी ऑफ कश्मीर. चार्ली. द सीनरी ऑफ कश्मीर. सीनरी क्या होती है, ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होती है, इसको प्लूरल हम नहीं बना सकते, तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं. चलें जी, आज के लिए इतना ही. कुछ सवाल हो तो आप पूछ लें. एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड.